नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और एक बड़ी खबर जिसका कि काफी समय से इंतजार हो रहा था, वो ये कि मोहन कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर। कल कैबिनेट का विस्तार होगा दिल्ली में। मंथन के बाद मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण होगा और आपको बता दें कि लगभग 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। कल 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जानकारी ये मिल रही है। दिल्ली में लंबा मंथन चला, आज भोपाल में तमाम जो काम थे उन्हें स्थगित कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में कई शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें अमित शाह से उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। और इस दौरान चर्चा हुई, बातचीत हुई और कैबिनेट विस्तार को लेकर फैसला ले लिया गया है। जानकारी अब यहां तक मिल रही है कि कल 18 मंत्री लगभग शपथ ग्रहण करेंगे और हाईकमान से बातचीत होने के बाद ये फाइनल हो गया है। कल दोपहर 3 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है और इसकी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और दिल्ली में मंथन के बाद आखिरकार मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं और दोपहर 3 बजे कल शपथ ग्रहण होगा। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, कल दोपहर 3 बजे का समय तय हुआ है शपथ ग्रहण के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में 18 विधायकों के नाम तय हो चुके हैं जो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। और कल ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो मध्य प्रदेश के राजभवन में आयोजित किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का जो समय है वो इसके लिए निकलकर सामने आ रहा है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में इसी बात का इंतजार हो रहा था कि कब मध्य प्रदेश में नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल में किन विधायकों को जगह दी गई है, उनके नाम कब तक सामने आएंगे। क्योंकि देखिए, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए थे, बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और उस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जब सीएम और डिप्टी सीएम के नाम घोषित किए तो वो नाम सामने आए जिनकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और खुद जो मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि पार्टी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। लेकिन उसके बाद से अब तक का एक लंबा इंतजार करना पड़ा मंत्रिमंडल के नामों को लेकर। हालांकि देखिए, नाम तो अभी भी सामने नहीं आए हैं। सूत्रों के हवाले से हम लोग जरूर तमाम जो फॉर्मूले हैं जिनके तहत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिन लोगों को जगह दी जा सकती है, वो जरूर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। लेकिन फाइनल आला कमान की मुहर लगे हुए जो नाम है वो सामने अब जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि शपथ ग्रहण हो सकता है। और इसमें देखने वाली बात यह होगी कि कैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ नए चेहरों का तालमेल बिठाने का काम बीजेपी करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन वासु, शपथ ग्रहण में जानकारी मिल रही है कि 18 मंत्री लगभग शपथ ले सकते हैं, जबकि बीजेपी का जो फॉर्मूला है, अगर अब तक जिस पर चर्चा हुई है अगर उस पर नजर डालें तो 3 बार के मंत्री दोबारा मंत्री नहीं बनेंगे और हर लोकसभा से कम एक प्रतिनिधित्व तो मंत्रिमंडल में होगा। तो ये कितने सटीक बैठ रहा है, कितने विरोधाभास एक दूसरे का ये वाक्य कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, देखिए जहां तक जो खबरें आ रही है कि 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि मिनी कैबिनेट अभी बनेगा, क्योंकि 30 से 33 मंत्री तक मध्य प्रदेश में होते हैं, बनाए जा सकते हैं और उनको अलग अलग पोर्टफोलियो विभाग जो है वो दिए जा सकते हैं। जब अगर 18 मंत्री कल शपथ लेंगे तो इससे तय माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और बीजेपी ये जो स्पेस खाली रखना चाह रही है, ये सीधे तौर पर आने वाले समय के तमाम जो राजनीतिक समीकरण है उनको साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बीजेपी ये चाहती होगी कि हम एक मंत्रिमंडल बना लें ताकि जो सरकार के कामकाज है, जो योजना है, वो सुचारू रूप से चल सके। अब रही बात तमाम सारे उन फॉर्मूले की, उन थ्योरीज की, जिनको लेकर लगातार बात हो रही है कि हर लोकसभा सीट से एक नेता को प्रतिनिधित्व मिले, तो अगर 18 मंत्री बनते हैं तो ये वाला फॉर्मूला तो निश्चित तौर पर लागू नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जो तमाम सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि नए युवा, इन सबका तालमेल होगा, वरिष्ठों को भी उनके कद के अनुरूप पद दिया जाएगा, पर कैसे दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखिए, मध्य प्रदेश में केंद्र के मंत्री थे प्रहलाद पटेल, जिनको बीजेपी ने विधायक का चुनाव लड़ा दिया नरसिंहपुर से। हाँ। सांसद थे उदय प्रताप सिंह, उन्हें विधायक बना दिया है। वहीं रीति पाठक को आप नाम देख लीजिए, ऐसे कई और नाम है। कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव की भूमिका निभा रहे थे, फिलहाल अब वो इंदौर एक सीट से विधायक हैं और 2 डिप्टी सीएम भी मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। और बड़े प्रीमियम विभागों की अगर आप बात करें तो वहां पे गृह विभाग का नाम आपको सामने आता है, नगरीय विकास विभाग का नाम सामने आता है, महिला बाल विकास है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है,
ये सारे जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं ये किसके पोर्टफोलियो में जाएंगे, किसके कद के अनुरूप ठीक बैठेंगे और बीजेपी ने किसको सोच रखा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्टर एक ये भी है कि बड़ी संख्या में अगर मेरी जानकारी गलत ना हो तो 30 महिला विधायक भी चुनकर आई है बीजेपी की 163 में से, तो उनका पार्टिसिपेशन कितना रहेगा मंत्रिमंडल में ये भी देखने वाली बात है और बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि लगातार इंतजार जो था वो हो चुका खत्म और थोड़ा इंतजार और करना है मुझे लगता है वासु, कल 3 बजे से पहले ये स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद इस बारे में और डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं। वासु बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कल इंदौर को सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं, हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को बकाया राशि के साथ ही इंदौर को भी डॉक्टर मोहन यादव विकास योजनाओं की सौगात देंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इंदौर को बड़ी सौगात मिलने वाली है, मसलन हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को मिलेगी बकाया राशि, सोलर प्लांट का होगा शिलान्यास, नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की भी घोषणा होगी, 1100 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, करीब 450 करोड़ के विकास कार्यों का मिलेगा तोहफा। कनकेश्वरी गरबा मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तैयारियों का कैलाश विजयवर्गीय ने जायजा लिया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला, जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों को न्याय मिलने की बात कही और सीएम की तारीफ भी की। विधानसभा से उस प्रस्ताव को पारित किया था, फिर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, फिर बैंक और बहुत सारी चीज़ों के बाद यह सफलता मिली है और उसमें राज्य सरकार और अभी हमारे माननीय महापौर जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल करके मजदूरों के लिए यह राशि देने का जिम्मेदारी ली है, मैं राज्य सरकार और नगर निगम के महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ। सीएम का इंदौर दौरा बेहद अहम होने जा रहा है, इस लिहाज से प्रशासन के साथ ही बीजेपी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसकी कोशिशों में लगी हुई है। बढ़ते आगे और बात करेंगे कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की बैठक ली, तो उधर बीजेपी ने युवा मोर्चा की बैठक की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की बैठक की, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी ने पहली बार किसी की बैठक की है। इस बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के अलावा दूसरी पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक के बाद यूथ कांग्रेस की भी बैठक हुई। विधायक विक्रांत भूरिया के अलावा जीतू पटवारी और पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। निश्चित तौर से ये जहां संगठन की मजबूती को देखने के लिए है, वहीं विधानसभा चुनावों के बाद अब महिला कांग्रेस और अन्य मोर्चा संगठनों को किस तरह से आगे लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़ाई ऐसे लोगों से है जो सीधे सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं। निश्चित तौर से महिला कांग्रेस अब इन सब चीजों को समझ भी रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का ये मानना है कि महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें महत्व देना और उनके साथ सही तरीके से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर जो परिणाम आए थे वो काफी निराशाजनक थे, पर अब जो परिणाम है उनको पीछे रखते हुए एक नई शुरुआत करते हुए वापस से एक नया संघर्ष आपको देखने मिलेगा और एक नई उम्मीद के साथ नए जोश के साथ वापस मैदान में हम उतरेंगे। उधर बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में युवा मोर्चा की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के साथ युवा मोर्चा के अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन हुआ।
साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक तरफ विधानसभा चुनाव की हार को भूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों को जीतने के लिए तैयारियां कर रही है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा पीढ़ी परिवर्तन हुआ। कमलनाथ के बाद युवा चेहरा जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत कटारे काम करेंगे। युवा टीम के सामने चुनौती बड़ी है। उधर बीजेपी का मानना यह है कि कांग्रेस में बिखराव के रूप में बदलाव देखने को मिलेगा। ২০১৮ में कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और इसका नतीजा भी निकला। कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनी लेकिन टिक नहीं पाई। वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 29 में से केवल एक सीट ही जीत पाई। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। अब जबकि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव किए हैं। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी चुनौती वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करने की होगी। हालांकि उपनेता प्रतिपक्ष का मानना है कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन ये जो टीम नई बनाई है ये सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं ने इन सब नामों को प्रपोज करके हम लोगों को आगे आशीर्वाद दे करके बढ़ाया है। और चूंकि कोऑर्डिनेशन में पहले भी कमी नहीं थी और आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा वो लोग बड़े जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे साथ है पूरे समय, सड़क हो चाहे सदन हो, वो लोग हमारे को ताकत देने के लिए तैयार हैं और हम लोग उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनसे हर सलाह मशवरा लेकर के, समय समय पे मार्गदर्शन लेकर के जनता के बीच में उतरेंगे, जनता के विषयों को सदन पर भी उठाएंगे और सड़क पर भी उठाएंगे। कांग्रेस भले एकजुटता का दावा कर रही है लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में गुटबाजी और बढ़ेगी। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में बिखराव दिखेगा। भारतीय सेना में कई बार आप लेफ्ट राइट करते हुए कदम ताल करते हुए नजर आते होंगे। कदम ताल सामान्य प्रैक्टिस में क्यों करते हैं? इसलिए ताकि सामूहिकता से चलने का अभ्यास हो। जिनको सामूहिकता से चलने का अभ्यास ही नहीं है वो नारों से, वादों से, बयानों से, भाषणों से, सामूहिक रूप से, समन्वय के तौर पर नहीं चल सकते, उनकी कार्यशैली ही नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था जब कमलनाथ जी को हटाया गया था और जीतू पटवारी जी को बनाया गया था कि कांग्रेस अब पूरी तरह से बिखराव की ओर है, विखंडन की ओर है। आने वाले समय में इस पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं की टकराहट बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुक्त होने के बाद फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पार्टी संगठन ने कोई भूमिका तय नहीं की है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, अरुण साव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नाम भी प्रदेश में हैं। और छिंदवाड़ा में बीजेपी में आपसी घमासान छाया हुआ है। सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने शिकायत की है कि चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बता दें कि यह विवाद फेसबुक पोस्ट से बढ़ा। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी, जिला संगठन और मुझे एक षड्यंत्र रचते हुए बदनाम करने का प्रयास छिंदवाड़े में किया गया। उसमें हमारे कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के पांचों भाजपा के प्रत्याशी, हमारे संगठन के तीनों महामंत्री और बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है और संगठन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेगा। रतलाम में एक 2 साल के मासूम को फिल्मी स्टाइल में अगवा करने की कोशिश की गई। बच्चे की मां ने जब शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़ पड़े और ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया, बच्चे को मुक्त करा लिया
और फिर जो का यहाँ अपहरणकर्ताओं का सेवा पानी ग्रामीणों ने किया है, तस्वीरें उसकी कुछ सामने भी आई हैं। अपहरणकर्ताओं की जमकर पिटाई की ग्रामीणों ने। पुलिस के मुताबिक आरोपी गर्लफ्रेंड को एक बच्ची देने के लिए उसका अपहरण करके ले जा रहा था। पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। महिला अपने 2 साल की बच्ची के साथ में हैंडपंप पे कपड़े धो रही थी, उसी समय पे कुछ बदमाशों के द्वारा जो है वो बच्ची को लेकर कार में बिठाकर अपहरण करने की कोशिश की गई। उसमें जो है वो महिला की सजगता से तत्काल उसका पीछा करते हुए बाजना पुलिस को फ़ोन भी किया और तत्काल कंट्रोल रूम के पॉइंट चलने के बाद में जो एक बीच में एक पॉइंट लगा दिया गया था जहाँ पे जो है वो बदमाशों को पकड़ लिया गया है। 3 बदमाश पुलिस के हिरासत में है, बच्ची सुरक्षित है। और इंदौर में कुत्ते के भौंकने पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। एक शख्स ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को पहले तो डंडों से पीटा और उसके बाद लात मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। आरोपी राकेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया और बताया यह जा रहा है कि बुजुर्ग ने कुत्ते पाले हुए थे और कुत्ते किसी वजह से भौंक रहे थे। पड़ोसी राकेश गोयल को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिस पिटाई से उसकी मौत हो गई। इंदौर के शांतिनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरों का 2020। एमपी में कल होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में मंथन के बाद मंत्रियों के नाम तय। कल दोपहर 3 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद एक्शन में जीतू पटवारी। आज महिला और युवा कांग्रेस की बैठक ली, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक। प्रदेश स्तरीय बैठक में बीडी शर्मा मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रहे मौजूद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। धार में विधायक बंगले के बाहर से बाइक चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वारदात की तस्वीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में एटीएम लूटने वाला अंतर्राज्यीय गैंग, जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की रकम भी की बरामद। एटीएम काटकर वारदात को दे रहे थे अंजाम। ग्वालियर में पुलिस ने हथियार तस्कर को धर दबोचा। आरोपी से 6 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। खरगोन से हथियार लेकर ग्वालियर में कर रहे थे सप्लाई। अनूपपुर में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद। कनु प्रिया अग्रवाल ने महिलाओं को किया प्रेरित, कहा महिलाओं को भी होना चाहिए आत्मनिर्भर। सागर में रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे 44 पर दुर्घटना। 4 वाहनों की जोरदार टक्कर। गाड़ियों के उड़े पर खर्चे। दुर्घटना में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में रिश्तों का कत्ल। पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। मोबाइल पर किसी अन्य शख्स से बात करने के चलते की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजी बैंक की कई शाखा में धोखाधड़ी। नकली सोना गिरवी रखकर धोखाधड़ी का मामला। नकली सोना पर 2 करोड़ का लोन लिया। ऑडिट के दौरान जेवरात की जांच के बाद खुलासा हुआ। शिवपुरी में व्यवस्थाओं की खुली पोल। अस्पताल के बरामदे में कराया गया महिला का प्रसव। कोहरे के चलते सड़क हादसा। आगे जा रहे डंपर में घुसा कंटेनर। कंटेनर चालक हुआ घायल। उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कतला में महिला को जिंदा जलाने का मामला। घटना का वीडियो आया सामने। रॉड लेकर खड़ा रहा आरोपी जेठ। आसपास के लोग बचाने भी नहीं आए। छतरपुर में मजदूर की मौत। रेत की खदान धंसने से एक मजदूर की मौत। रेत निकालते समय हुआ हादसा। ग्रामीण ने मजदूर का शव निकाला। मुरैना के आरक्षक पर हमला। SAF के आरक्षक पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने बस ड्राइवर को क्लीनर को मारी टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर की मौत। रीवा में घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग। देखते देखते धू-धू कर जलने लगी कार। आग लगने का कारण अज्ञात। इंदौर में कुत्ते के भौंकने पर बुजुर्ग महिला की हत्या। युवक ने 70 साल की बुजुर्ग को डंडे से पीट पीट कर मारी लात। आरोपी शख्स गिरफ्तार। सतना में स्कूल से लापता छात्र को पुलिस ने खोज निकाला। पुणे से पुलिस ने छात्रा को किया बरामद। शादी का झांसा देकर गए पुणे लेकर गए थे 2 युवक। अभिनेता शिवा रंधानी पहुंचे खरगोन फिल्म की शूटिंग के लिए।
लोकेशन की तलाश में फरवरी में शुरू होनी है शूटिंग। और इस बीच बड़ी खबर, उज्जैन में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड 3 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। आज बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे दर्शन करने के लिए, कर्मचारियों को काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। आज बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। उज्जैन से एक रिकॉर्ड टूटने की जानकारी मिल रही है। ये देखिए, बाबा के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु और बाबा का दर्शन करने के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे हैं। उज्जैन से बड़ी खबर। और एमपी अब तक में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा, बहुत जल्द आओ।